बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग यार रोडों पर घूम रहे हैं। चाय वाली कुछ खुशबू आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, अब बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मेरे ये रूम वाले और मेरे साथ वाले सारे के सारे सोए पड़े। दिखाता हूँ, रुक जाओ। अभी देखना मैं उठने के लिए कहूँगा क्या कहेंगे। उठ जाओ, ए क्या कह रहे हो, जल्दी उठो ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो, ये 5-5 मिनट करके अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 10-15 मिनट। अभी 7 बजे है, चाय का टाइम। रात को ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि खाना खाते टाइम ना मेरा फ़ोन था ऊपर चार्ज में लगा होता है। लाइट लिमिटेड टाइम के लिए आती है क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब आज और कल भी लाइट नहीं मिलने वाली, तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। मैंने कहा चार्जिंग वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। और अब हमें मिलेगी यहाँ पर चाय, मतलब जहाँ एक जग रखा है यहाँ पे अपने को चाय मिलेगी यहाँ पे। देन उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ उससे पहले थोड़ा सा घूम के आ जाए जिससे कि बॉडी वार्म रहे। तो अभी ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, मतलब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया मॉर्निंग में। मैं जॉगिंग करके आया, उसके बाद रेडी होके फटाफट ब्रेकफास्ट करा। इनके थ्रू हमें मिला है एक तो स्पाइक्स जो कि स्नो में चलने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी हमारे लिए। दूसरा हमें मिला है गेटर जो हमारे पैरों को बचाती है स्नो से, दूसरी वो चीज़ मिली है। और अभी हम जा रहे हैं सांकरी, वहाँ से कुछ चीज़ें रेंट आउट करेंगे। और मैं अपना कैंपिंग इक्विपमेंट भी साथ लेके जा रहा हूँ जो कि स्टोव और गैस और ये सब कुछ आगे बनाएंगे। तब चलते हैं सांकरी और वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ कि कैसे कितने काम लोगों को क्या चीज़ें रेंट पे मिल रही हैं। ठीक है, तो सी यू एट सांकरी। तो ये हाल है फिलहाल सांकरी का। यहाँ चारों तरफ बैकपैकर्स, ट्रैकर्स। केदारकंठा पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, ये हमें दिख गया है। देखो यहाँ का मेन स्क्वायर है और यहाँ का क्या हाल है, मतलब मेन चौक है ये पूरा पैक। तो अभी हम सांकरी मार्केट में और लोगों ने और हमने भी रेंटल्स ले लिए हैं। सब लोग रेंट पे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं, मतलब शूज़ हो गया, एक्सेसरीज हो गई। तो अभी यहाँ पर हमने रेंट पे लिया है ग्लव्स एंड ट्रैकिंग पोल। मुझे ज़रूरत नहीं है तो किसी का मैंने उठा रखा है। मैं अपने ग्लव्स घर से लेके आऊँ। तो यहाँ पे बहुत महंगा है, जो चीज़ उसका MRP है ना वही चीज़ उसका रेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना और घर से लेके आओ, बेस्ट रहेगा, नहीं तो यहाँ आके कटेगा बहुत गंदा वाला। तो सामने है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, परमिट्स क्लियर होंगे, देन हम आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट दिखाते हैं पहले तो आपको। ये है वो गेट। गाइड भैया यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे कि यहाँ केदारकंठा किस लिए फेमस है और आज हम क्या करने वाले हैं और कहाँ से जाने वाले हैं। इनका नाम है बिग बॉस। यस बिग बॉस, बताइए। हमारा ट्रैक शुरू होता है फ्रॉम सांकरी टू केदारकंठा। आज का ट्रैक हमारा सांकरी टू जिवड़ा ताल, ठीक है, जिसकी दूरी है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर। और क्लाइंट को एक अपना इक्विपमेंट के बाद, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट शूज इम्पोर्टेंट, और उसके बाद सॉक्स अच्छा होना चाहिए, फिर लोअर अच्छा होना चाहिए, थर्मल अच्छा होना चाहिए, और जैकेट्स अच्छी होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, कैप होनी चाहिए। मंकी कैप हो तो बहुत बेहतरीन है, बिकॉज बहुत कुछ कवर हो जाती है, सब कुछ कवर कर देती है। पहुँच चुके हैं अपने कैंप पे और ये इसका है डाइनिंग एरिया। ये वाला टेंट है वो डाइनिंग टेंट है। सामने की तरफ इसका है किचन एरिया। मैं आपको पहले डाइनिंग टेंट में जो लोग हम लोग खाना वाना खाए वो दिखाता हूँ। ये हम लोग कहाँ बैठे थे, ये रहा हमारा डाइनिंग एरिया। तो कैसा लगा डाइनिंग एरिया और खाना अभी तक? बहुत सेक्सी। और ये रहे हमारे टेंट्स, मतलब ये वाले सारे के सारे हमारे टेंट्स हैं। इनमें से हमें 2-2 के हिसाब से सबको टेंट इशू होंगे, मज़ा आएगा। और अभी टेंट के अंदर दिखाते हैं कि अपने टेंट कैसे हैं ना। ये हमारा कैंप का मेन वो है, एक जेपियरी, दूसरे जेपियरी, तीसरा ये। इसमें 3 लोग आते हैं, ये 3 पर्सन टेंट से आराम से 3 तो नहीं 4 भी आ सकते हैं, बट हम लोग 3 ही से रुकने वाले हैं। वो स्लीपिंग बैग्स हैं, ये माइनस टेम्परेचर के स्लीपिंग बैग्स हैं, नॉर्मल स्लीपिंग बैग्स नहीं है। ये मैट्रेसेस लगी हुई हैं इसके अंदर। जिससे कि ठंड ऊपर की तरफ ना आए। मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया और दोनों बार वर्थ इट है। 2 बार इनके साथ आया, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, दोनों बार मुझे स्नोफॉल मिला। दोनों बार फुटप्रिंट स्टोरी यार बहुत अच्छी सर्विसेज देता है। डेफिनेटली ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं एंड सम सिनेमैटिक शॉट्स। लेट्स गो।